हेलो दोस्तों, इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले ऐसे एनिमे सीरीज के बारे में जो कि अंडररेटेड है, यानी उन्हें उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए। We are pain, that's all. We are God. दसवें नंबर पे अराता दी लेजेंड। इसमें दो मेन कैरेक्टर है और दोनों का नाम अराता है। इवन दोनों दिखते भी सेम है, लेकिन एक अराता सुपर नेचुरल गॉड्स वाली दुनिया से और एक नॉर्मल शिटी ह्यूमन वर्ल्ड से, जहाँ कुछ उसके शिटी क्लासमेट्स उसे बुली करते, काफी कुछ सहना पड़ता है उसे। सो बिना ज्यादा स्पॉइल किए बस इतना कह दूं कि सुपर नेचुरल वर्ल्ड वाला अराता एक दिन कुछ लोगों से बचने के लिए एक ऐसे जंगल में जाता है जहाँ कोई पैर भी नहीं रखता, और तब ह्यूमन वर्ल्ड का डिप्रेस्ड अराता और ये अपनी जगह बदल लेते। सच कहूं तो ये आइडिया ही मुझे कूल लगा था, जो मैंने कई एनिमे सीरीज में एक्सपीरियंस नहीं की थी। सो ह्यूमन वर्ल्ड का रहा था अब इस डेंजरस वर्ल्ड में किस तरह गॉड्स की पावर हासिल करता है और 12 गॉडली वॉरियर से लड़ता है, ये देखने में मजा आएगा आपको। इस यूनिक आइडिया के लिए इस एनिमे को एक चांस देना तो बनता है। ये एक एडवेंचर फैंटेसी शोनन एनिमे है जिसकी रेटिंग लगभग 7 है और इसे स्टूडियो सैटेलाइट ने एनिमेट किया है। 9वें नंबर पे है कोड ब्रेकर। जब मैंने कोड गियर्स देखा था तब मुझे ये रिकमेंडेशन में शो हुआ था, तब इसके मेन कैरेक्टर की वो कोल्ड आइज मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा छोड़ो जैसा भी है देख लेते। इसका मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे पहले से ही लो थी, लेकिन इसे देखते वक्त मैं सिर्फ यही सोचता था कि ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। आई मीन हाँ, इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन पूरा एंड तक देखने के बाद आई वाज लाइक ये खत्म क्यों हुआ। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक कोल्ड हार्टेड कोड ब्रेकर है जो आग के बदले आग पर विश्वास करता है, यानी रहम नाम की कोई चीज नहीं। इसके बाकी कैरेक्टर्स काफी दमदार है, सो एंड में काफी फाइट देखने को मिलेगी आपको। सो इसे भी जरूर देखना। इसके टोटल 13 एपिसोड है जिसे स्टूडियो किनेमा साइट्रस ने एनिमेट किया है। ये एक एक्शन कॉमेडी स्कूल शोनेन सुपर पावर एंड सुपर नेचुरल एनिमे है जिसकी रेटिंग 7.56 की है। तो 8वें नंबर पे हमादोरा दी एनिमेशन। कॉमनली इसके मेन कैरेक्टर को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि जब भी बैड एस और ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर्स के नाम आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम चिल्ड्रंस के मेन कैरेक्टर के साथ साथ ये भी आता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एनिमे काफी कलरफुल है। इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग कुछ ऐसी है कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ये स्पेशल पावर्स या साइकिक पावर कह लो ये होती है, और इन्हें मिनिमम होल्डर्स कहते हैं। अब क्योंकि इनके पास पावर्स है तो ये थोड़ी ना फ्री का माल चुरा कर खाएंगे, इन्हें पैसों के लिए स्पेशल जॉब्स करनी होगी। तो हमातोरा में भी आपको पहले लगे सुपर पावर वाले लोग दुनिया की रक्षा कर रहे इन्हें बैडएस वे एक्सेट्रा, लेकिन शॉकिंगली इसमें एक अंडरलाइंग स्टोरी भी है जिससे आप इसके सेकंड सीजन में ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे और इमोशंस खुलकर बाहर आएंगे तब। सो इसीलिए इस एनिमे को अगर देखोगे तो प्लीज सेकंड सीजन स्किप मत करना, और वैसे भी इसके फर्स्ट सीजन के एंड में ऐसा क्लिफहैंगर कि आप तुरंत सेकंड सीजन देखने के लिए भागोगे। खैर, इसका फर्स्ट सीजन 12 एपिसोड का है और इसे नास स्टूडियो ने एनिमेट किया है। ये एक मिस्ट्री कॉमेडी सुपर नेचुरल सुपर पावर ड्रामा एनिमे है जिसकी रेटिंग है 7.32 की। 7वें नंबर पे अनलिमिटेड साइकिक स्क्वाड। अगर आपको स्मार्ट कूल ओवर पावर्ड एंटी हीरो जिसकी स्माइल डेविल जैसी है ऐसा मेन कैरेक्टर पसंद है तो ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये हमारे टिपिकल सुपर नेचुरल एनिमे के मेन कैरेक्टर से बहुत अलग है। इसमें एक्शन तो भर भर के है ही, लेकिन सबसे यूनिक इसका मेन कैरेक्टर जो एक एंटी हीरो है, और जिस एनिमे में एंटी हीरो मेन कैरेक्टर हो काफी रेयरली देखने मिलता है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए ये अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहता है। वैसे अगर ना भी रहे तो इसकी पावर देखकर आप लोगों को लगेगा कि कोई पागल ही होगा जो इससे पंगा लेगा। एक्स मैन वाली वाइब आती है इससे, तो इसे जरूर देखना। इसके टोटल 12 एपिसोड है जिसे मैनग्लोब स्टूडियो ने एनिमेट किया है, और ये एक एक्शन सुपर पावर सुपर नेचुरल शोनन एनिमे है जिसकी रेटिंग है 7.56 की। तो 6 नंबर पे ओदा नोबुना नो याबू। ये एक इसेकाई एनिमे जिसे कई लोग डिनाई करते हैं कि ये इसेकाई है, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर असल में ट्रांसपोर्ट होता है हिस्ट्री के एक इवेंट में, ना कि कोई दूसरे वर्ल्ड में। बट ये गलत है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर असल में अल्टरनेट वर्ल्ड की हिस्ट्री में ट्रांसफर होता है, जहाँ पे जापानीज हिस्ट्री के वॉर लॉर्ड जो थे, जो जाबाज सिपाही थे, वो असल में क्यूट गर्ल्स होती है उस दुनिया में। इसलिए ये एनिमे मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होता है एक ऐसे हिस्टोरिकल टाइम में जहाँ वॉर चल रही होती है, और उसी हिस्ट्री का एक वॉरियर जो कि अपने टाइम पे हीरो माना जाता था वो
अपने मेन कैरेक्टर को वॉर के भागदौड़ के बीच बचाने के चक्कर में मर जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी तो हमारे मेन कैरेक्टर पे आई, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर से डरने वाला तो है नहीं, उससे जितना हो सके वो करता है। और मुझे सबसे बड़ा शौक ये लगा कि मैंने सोचा था ये एनिमे हारेम एनिमे होगा, क्योंकि एक मेल मेन लीड और इतनी सारी गर्ल्स, लेकिन इस एनिमे ने मुझे गलत साबित कर दिया। इस एनिमे में स्टोरी के ऊपर और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर इतना ध्यान दिया गया कि आपके मन से ही हारेम वाली बात निकल जाएगी। हाँ, इसमें थोड़ा रोमांस देखने को मिलेगा आपको, लेकिन इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसे जरूर देखना। मेरे हिसाब से ये और पॉपुलैरिटी डिजर्व करती है। तो पांचवें नंबर पे ओवरिनो सेराफ अटैक ऑन टाइटन कैसा लगा आपको? अगर आपको वो अच्छा लगा तो अभी तक आप लोगों ने इसे देख ही लिया होगा। आई नो कि ये इतना भी अंडररेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी काफी कम जानते मेरे सर्कल में, या यू कह लो कि इसका नाम इतना नहीं लिया जाता। जबकि जो भी इसे देखेगा वो ये एडमिट करेगा कि ये काफी अच्छा एनिमे है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इंसानी दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जो कोरोना की तरह नहीं है, वो बस एडल्ट्स को मारता है जो 13 साल से उम्र में बड़े हैं। और इस वायरस के अटैक की वजह से अब वैम्पायर्स को मौका मिल गया कि दुनिया पर कब्जा करने का, वो भी ओपनली। तो वो सारे बच्चों को ऑर्फनेज में रखते हैं एज अ लाइफ स्टॉक, ताकि इन वैम्पायर्स को थोड़ा थोड़ा खून मिलता रहे इनका। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ये मंजूर नहीं था। वो बचपन में अपने दोस्त के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो बस अकेला ही यहाँ से निकल पाता है। ये सब आपको फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। आगे के स्पॉयलर्स मैं नहीं देने वाला, लेकिन इसमें भी काफी एक्शन है एंड में। इसके भी दो सीजन है हामातोरा की तरह। इसके फर्स्ट सीजन की रेटिंग है 7.51 की, जिसे विट स्टूडियो ने ही एनिमेट किया है। ये एक एक्शन मिलिट्री सुपरनैचुरल ड्रामा वैम्पायर शोनन एनिमे है। चौथे नंबर पे द लेजेंड ऑफ द लेजेंडरी हीरोज। इस एनिमे की कहानी को मैं जितना एक्सप्लेन कर दूं, बट वर्ड्स में सुनकर आपको ये बस एक नॉर्मल फैंटेसी सुपर पावर एनिमे लगेगा। लेकिन इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और मेन कैरेक्टर, मैं तो कहूंगा कि फैंटेसी एनिमे में जितने भी मैंने आज तक एनिमे देखे, मुझे इसकी स्टोरी और पेसिंग बेस्ट लगी। आई मीन इसके मेन कैरेक्टर से आप डीपली कनेक्ट कर सकते हो, और अगर वो पागल हो जाए तो फिर भाई शामत आई सबकी। और वो प्रिजन वाला सीन भी मैंने काफी कम एनिमे में देखा है, तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। जब मैंने इसे खत्म किया और माय एनिमे लिस्ट पर इसकी रेटिंग और यूजर्स चेक की, तो दिल से यही निकला कि क्यों इतना कम, क्यों? तो इसे जरूर देखना। तीसरे नंबर पे है ड्रिफ्टर्स। क्या आपने हेलसिंग देखी है? ड्रिफ्टर्स में आपको स्टार्ट से ही समझ आ जाएगा कि आप एक एक्शन पैक्ड एनिमे देखने वाले हो जो आपको बोर होने का टाइम ही नहीं देगा। अगर आपको ब्लडी वॉर्स, स्वॉर्ड एक्शन, मैजिक, ड्रैगन्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गोर, ये सब देखना पसंद है, तो इसे क्यों होल्ड कर रखा है मेरे भाई? इस एनिमे का जो कॉन्सेप्ट है वही मुझे इतना खतरनाक लगा था। लाइक सोचो, हिस्ट्री के सारे लीडर और ताकतवर वॉरियर्स को उनके टाइमलाइन से खींच लाना एक ऐसे वर्ल्ड में, जहाँ इन वॉरियर्स को, जिसमें निंजास है, सैमुराइज है, एक्सेट्रा, उन्हें ड्रैगन्स, मैजिशियंस और पावरफुल फैंटेसी क्रिएचर्स से वॉर लड़नी होगी। और शॉकिंग बात यह है कि इतना ब्लडी और एक्शन होने के बावजूद कुछ लोग इसका नाम सुनकर ही होल्ड पर रख देते। मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि ड्रिफ्टर्स देखेगा क्या, तो उसने सीधे कह दिया कि नहीं भाई, मुझे कार रेसिंग, ड्रिफ्टिंग पसंद नहीं। आई मीन सीरियसली, तो कहने का मतलब ये है कि नाम पर मत जाओ, जो बैडस वॉरियर्स ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आए हैं उन्हें ही ड्रिफ्टर्स कहते हैं। सो अगर आपने नहीं देखा तो पक्का देख लेना। ये सिर्फ 12 एपिसोड का, जिसकी रेटिंग है 7.96 की, लेकिन व्यूअर्स काफी कम है, तो बढ़ाओ जाके। ये एक एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, हिस्टोरिकल, सैमुराई, फैंटेसी, सेनन एनिमे है, जिसे हुड्स ड्रिफ्टर स्टूडियो ने एनिमेट किया है, तो इसे जरूर देखना। तो दूसरे नंबर पे हिगाशिनो एडन, यानी कि एडन ऑफ द ईस्ट। ये एनिमे अभी तक आपने जितने भी एनिमे देखे होंगे उससे काफी अलग है, यानी कि इसमें आपको कोई भी सेम स्टीरियोटिपिकल चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी स्टोरी बहुत ही रिफ्रेशिंग है, और इसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक टीवी सीरीज को एनिमेटेड फॉर्म में देख लिया है, और काफी अच्छी सीरीज। सोचिए, अगर आपके पास एक सेलफोन है जिसमें 10 बिलियन येन है और एक जन का नंबर है जिसको कॉल करके आप कुछ भी करवा सकते हो। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ इसमें कुछ ऐसा ही होता है, तो इसलिए वो खुद को एक टेररिस्ट मानता है, क्योंकि कुछ समय पहले जापान में टेररिस्ट का हमला हुआ था, लेकिन उसमें कोई मरा नहीं, तो सब लोग उसे केयरलेस मंडे कहकर भूल गए। लेकिन 3 महीने बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर को ये सेलफोन मिला, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, और हमारा मेन कैरेक्टर खुद को इसी इंसिडेंट से कनेक्ट करता है। तो डेफिनेटली ये एनिमे बाकी सारे एनिमे सीरीज से काफी अलग फील देगा आपको। ये बस 11 एपिसोड का है, जिसकी रेटिंग है 7.85 की, और इसे प्रोडक्शन आईजी स्टूडियो ने एनिमेट किया है। ये एक एक्शन, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, ड्रामा, रोमांस एंड थ्रिलर एनिमे है, तो इसे जरूर देखना। तो नंबर 1 एनिमे का नाम लेने से पहले मैं एक और एनिमे के बारे में कहना चाहता हूँ, जिसका नाम है क्रोमार्टी हाई स्कूल। ये कॉमेडी जॉनरा में काफी अंडररेटेड है। आप लोगों ने डिजास्ट्रस लाइफ ऑफ साइकी से लेके ग्रैंड ब्लू तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्रोमार्टी हाई स्कूल एपिसोड ही होने के बावजूद किसी से कम नहीं। इस एनिमे के सारे एपिसोड बस 12 मिनट के, यानी कि 12 मिनट कंप्लीट एंटरटेनमेंट, जो कि हाई स्कूल लाइफ डेलिंक्वेंट्स के ऊपर है। ये कमाल के एनिमे अपने दोस्तों के साथ रेव ऐप पर
एंजॉय करने के लिए तो इसे जरूर देखना, इसकी रेटिंग भी काफी हाई है। तो पहले नंबर पे है शिन सेकाई योरी फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। इस एनिमे से कई लोगों को काफी प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर लोग इस एनिमे को अटैक ऑन टाइटन से भी ज्यादा अच्छा समझते। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आप जानते हो कि नंबर वन पे मैं जिस एनिमे को रखता हूँ मैं उसके बारे में बिल्कुल स्पॉइल नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नंबर वन एनिमे को आप सबसे पहले जाकर देखो और फिर अपना ओपिनियन बनाओ कि क्या ये एनिमे सच में इतना अच्छा है जो इसे 8.37 की रेटिंग मिली है। लेकिन गलती से भी इसे अंडर एस्टिमेट करके दूसरे टाइटल्स देखने मत लग जाना, क्योंकि अगर आपने साइकोपास या अर्गो प्रॉक्सी जैसे एनिमे देखे तो आपको ऑलरेडी एनिमे में डीप जाना पसंद है, और ये एनिमे उसी तरह का है। इसका डायरेक्शन से लेकर एनिमेशन कमाल का है, तो इसे सबसे पहले देखना। ये एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री साइकोलॉजिकल एनिमे है जिसकी रेटिंग है 8.37 की, और ये सिर्फ 25 एपिसोड का है जिसे A1 पिक्चर्स ने एनिमेट किया है, तो इसे जरूर देखना। और जितने भी एनिमे इस टॉप 10 में थे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं जानता हूँ कि आप लोग इस 91 डेज पिंग पोंग द एनिमेशन जैसे और कई अंडररेटेड एनिमे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने इन एनिमे सीरीज को दूसरे लिस्ट में कवर किया है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। क्योंकि एट दी एंड मेरा गोल सिर्फ इतना होता है कि मैं आप तक नए एनिमे सीरीज को पहुंचा सकूं, ना कि वही रिपीटेड एनिमे बार बार लूप में चलाता रहूं। लेकिन इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जरूर आएगा, तो इसीलिए आप अपनी लिस्ट से भी रिकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा एनिमे अंडररेटेड लगता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया। आज के बाद ऐसा कभी मत करना, समझे।